हाय फ्रेंड्स, मैं परिंदर खाली। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम श्वेता रंजन जी की एक वीडियो रिक्वेस्ट की। उन्होंने मुझसे जिस गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा था वो सन 1969 में खेली गई थी, यूएसएसआर चैंपियनशिप मॉस्को। उसके 16वें राउंड में व्लादिमीर तुकमाकोव का मुकाबला था मिखाइल टाल। मिखाइल टाल की गेम होती ही कुछ अजीबो गरीब है, समझने में भी बहुत ज्यादा दिमाग लग जाता है। और ऊपर से अगर मिखाइल टाल ब्लैक के साथ खेल रहे हैं तो वो और भी कमाल के वेरिएशन वहां हमें देखने को मिलते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या कुछ अलग मिखाइल टाल ने खेला और क्या हम कुछ इसी तरह के वैसे ना ही सीखे तो अच्छा है, क्योंकि हम पक्का वो गेम ब्लेंडर कर जाएंगे। खैर, गेम की शुरुआत यहाँ व्लादिमीर तुकमाकोव ने की थी d4 के साथ। नाइट f6 यहाँ मिखाइल टाल ने शुरू किया, c4 देन c5 d5 तो e6 नाइट d3 तो e takes d5 c takes d5 देन क्वीन d5 तो e4 g6 नाइट f3 देन बिशप g7 स्क्वायर पर बिशप e2 और इसके बाद यहां दोनों साइड्स ने कैसल किया, रुक e8 देन नाइट d2 नाइट b गोज टू d7 देन f3 a6 तो a4 क्वीन c7 देन क्वीन b3 स्क्वायर पर नाइट e5 a5 रुक b8 देन नाइट d1 स्क्वायर पर। दोनों ही खिलाड़ी मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं जैसे कुश्ती में होता है ना, अपनी एक दूसरे की मसल चेक करते हैं, तो कुछ इस तरह का गेम यहाँ चल रहा है। नाइट h5 फ्रेंड्स, यहाँ नाइट h5 का मूव देखा जाए तो मैं उतना स्टेबल नहीं मानता, क्योंकि जी पॉन आगे पुश हो सकता है। फिलहाल कह सकते हैं कुछ देर के लिए एक टेम्परेरी आउटपोस्ट है, लेकिन अपने आप को ट्रैप करवाने वाली बात मुझे ज्यादा लगती है। ऊपर से यहाँ व्हाइट ने अपने नाइट को c4 स्क्वायर पर ले जाकर इस नाइट के लिए कोई भी पोजीशन नहीं छोड़ी है। इनफैक्ट यहाँ अगर चलिए देखते हैं क्या होता है इस गेम में। f5 पहले यहाँ फ्रेंड्स मिखाइल टाल ने किया, देन e takes f5 और अब यहाँ ये गेम किस तरह से आगे बढ़नी चाहिए। मैं अगर यहाँ पर होता तो 110% यहाँ नाइट टेक सी फोर करने की कोशिश करता, और फर्दर बिशप टेक सी फोर होने के बाद आइदर g takes f5 या बिशप टेक्स f5, नहीं नॉट एग्जैक्टली बिशप टेक्स f5 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ ये जी पॉन आगे पुश होना ही होना है। लेकिन पता नहीं मिखाइल टाल कहां से कैलकुलेशन निकालते हैं, उन्होंने यहाँ किया बिशप टेक्स f5 और इनवाइट किया वाइट को कि वो अपने जी पॉन को आगे पुश करके दिखाए। उन्होंने वही किया, होना भी यही था, लेकिन नाइट टेक्स c4 अब जाकर वो नाइट लिया गया। बिशप टेक सी फोर होने के बाद हुआ b5, बिशप पर अटैक बना एन परसेंट होगा a takes b6 और आखिर कब तक ये फॉग, कितनी देर तक मिखाइल टाल टाल सकते हैं। एक पीस तो उन्हें यहाँ गंवाना ही होगा। रूक टेक्स बी सिक्स क्वीन पर अटैक बना, एक मूव और चला गया, क्वीन गई a2 स्क्वायर पर, देन बिशप d4 चेक। अब फ्रेंड्स यहाँ इस बिशप की चलिए एक चेक आइए, देखते हैं क्या बेनिफिट होने वाला है। किंग मूव हुआ g2 स्क्वायर पर, देन क्वीन g7 और फ्रेंड्स अभी तक भी इस पॉइंट तक भी मैं क्लियर नहीं हूं, लेकिन क्वीन के आने के बाद कुछ ना कुछ तो इंटरेस्टिंग यहाँ होने वाला है। क्या व्हाइट यहाँ इस नाइट या इस बिशप को ले सकता है? एटलीस्ट नाइट के लिए थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि बिशप काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। चलिए देखते हैं कि अगर यहाँ g takes h5 होगा तो प्रॉब्लम्स क्या होंगी, क्योंकि ब्लैक यहाँ पहले करेगा g takes h5 विद चेक, व्हाइट को प्रॉब्लम्स होगी। किंग के लिए h1 स्क्वायर ही अवेलेबल है बिकॉज ऑफ दीज टू स्मार्ट बिशप्स, और ऊपर से यहाँ आप देख सकते हैं कि रुक की एंट्री भी काफी धमाकेदार होने वाली हो सकती है। लेकिन ब्लैक बिशप को h3 स्क्वायर, सॉरी रुक नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ बिशप, मैं इसको देखना भूल गया, लेकिन ब्लैक एटलीस्ट अपने बिशप को तो h3 स्क्वायर पर ले जाकर रुक पर अटैक बना सकता है। ऑब्वियस रुक नहीं आ सकता, अदरवाइज अगले मूव में यहाँ चेकमेट होगी ही होगी। रुक ना इधर e1 स्क्वायर पर जा सकता, क्योंकि फिर दोबारा वही चेकमेट होगी। तो अब यहाँ पर व्हाइट क्या कर सकता है, बिशप को और नाइट को e3 स्क्वायर पर लेकर जा सकता है, एटलीस्ट इस बिशप की फायरिंग लाइन को तो ब्लॉक किया जाए। लेकिन अगर यहां से भी एग्जाम आगे बढ़ती है तो अब यहाँ ब्लैक थ्रेट क्या दे रहा है, ब्लैक थ्रेट दे रहा था इसने क्वीन से g2 स्क्वायर पर ले जाकर उसको चेकमेट करने की। बीच में चलिए कोई एक मूव के लिए नाइट आ चुका है, लेकिन रुक टेक c3 हो सकता है, देन b3। हाँ ये नाइट गया, ठीक है, मटेरियल कुछ लॉस किया था, नाइट लिया था, नाइट वापस दे दिया यहाँ व्हाइट ने और क्वीन की डिफेंस लगा दी। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ रुक टेक्स f3 पहले यहाँ ब्लैक कर सकता है और फिर वही अगले मूव में चेकमेट की थ्रेट, बिशप रुक को यहाँ हटाना होगा, रुक जाएगा। चलिए फ्रेंड्स एक पॉसिबिलिटी तो हमने देख ली है, दूसरी पॉसिबिलिटी चेक करते हैं कि अगर यहाँ g takes f5 डार्क लाइट स्क्वाड बिशप को अगर व्हाइट एलिमिनेट कर दे तो
क्या किसी तरह का फायदा व्हाइट को मिल सकता है, अभी भी ब्लैक कुछ एडवांटेज में रहने वाला है? जीटेक्स F5 चेक होने के बाद किंग जाएगा H1 स्क्वायर पर, किंग H8, और किंग H8 क्यों कर सकता है ब्लैक यहाँ, क्योंकि अगले मूव में रुक को G8 स्क्वायर पर ले जाकर अगले मूव में चेकमेट की थ्रेट हो सकती है। तो B3 जैसा कोई मूव यहाँ व्हाइट पहले चलेगा ही चलेगा, ताकि एटलीस्ट इस G2 स्क्वायर को सिक्योर तो किया जा सके, लेकिन उससे पहले होगा रुक G8, ऑब्वियस है। और रुक G8 होने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि G1 स्क्वायर से भी फोर्सफुली चेकमेट की थ्रेट होगी, तो Ne3 जैसा कोई मूव व्हाइट को चलना ही पड़ेगा। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो F4, चलिए नाइट को हट गया, लेकिन नाइट और G4 स्क्वायर पर चला गया, लेकिन उसके बाद बिशप टेक सेव, और यहाँ ये रुक कम से कम मिखाइल डाल लेकर ही जाएंगे इस गेम से। लेकिन फ्रेंड्स चलिए देखते हैं एक्चुअल में गेम में क्या हुआ। तो ऑब्वियस है, नाइट और बिशप, ये जो फॉक लगी थी मिखाइल डाल ने लगवाई थी, व्हाइट के समझ में आया कि वो किसी तरह का इसका कोई बेनिफिट ले नहीं सकता, तो उन्होंने यहाँ किया नाइट C3। व्लादिमीर के नाइट के C3 स्क्वायर पर ले जाने के बाद हुआ बिशप D7, अपने बिशप को बचाया, और ऑब्वियस है नाइट अभी भी नहीं लिया जा सकता, क्योंकि सारी सिचुएशन अभी वही है, वही फैक्टर्स अभी इस गेम में अवेलेबल हैं चेकमेट वाले। बिशप D2, यहाँ व्हाइट ने किया, दोनों रुक्स को एट लास्ट कनेक्ट किया, देन रुक एट ई गोज टू B8, रुक एट ए गोज टू B1। वैसे अगर ये पॉन आगे पुश होता है, पर कह सकते हैं कि नाइट के साथ भी जो प्रॉब्लम है, नाइट F6 यहाँ पहले ब्लैक ने किया, रुक एट एफ गोज टू E1। फ्रेंड्स मुझे ऐसा लगा कि चलिए दोनों पीसेस मिखाइल डाल ने बचा लिया, पहले बिशप और फिर यहाँ नाइट, जो डैमेज करना था व्हाइट को उन्होंने आकर दिया। लेकिन पहले तो खैर कोई ने F7 स्क्वायर पर लिया, और अब इस पॉइंट पर Ne2 जैसा कोई मूव व्हाइट को कंसिडर करना चाहिए था, सिंपली बिकॉज ये डार्क स्क्वायर्ड बिशप एटलीस्ट यहाँ पर व्हाइट अफोर्ड नहीं कर सकता इतने अग्रेसिव स्क्वायर पर। लेकिन अभी यहाँ B3 के ऑप्शन को ऑप्ट किया, क्योंकि क्वीन हट चुकी है, तो एटलीस्ट इस C3 स्क्वायर पर कोई मेटल एक्शन तो नहीं होने वाला है, पर नाइट टेक G4 तो हो सकता है। फ्रेंड्स आखिर ये क्या कैलकुलेशन है, पहले अपने दो पीसेस को फॉक पर लगाया है, और अब मिखाइल डाल ने अपने इस नाइट को सेक्रीफाइस कर दिया, यू कैन से दैट। लेकिन क्यों, अगर Gxf4 होगा तो यहाँ आप देख सकते हैं कि अगले मूव में कुछ डेडली अटैक्स लगाए जा सकते हैं। क्वीन F2 चेक होगा, किंग कहाँ जाएगा, H3 स्क्वायर पर, तो डेफिनेटली क्वीन F3 चेक होगा, किंग H4 स्क्वायर पर, देन क्वीन टेक G4 चेक, और यहाँ ये मेट होगी। और अगर व्हाइट अपने किंग को H1 स्क्वायर पर लेकर जाता है तो मुझे शायद कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वीन F3 चेक और ये मेट होगी। तो चेक मेट का पूरा इंतजाम मिखाइल डाल ने कमाल का लगाया हुआ है, और उनका प्लस यानी कि इस गेम का जो मेन हीरो है वो है उनका यहाँ डार्क स्क्वायर बिशप, जिसने कोई भी स्केपिंग रूट्स नहीं दिए हुए हैं व्हाइट के किंग के लिए। खैर यहां पर व्लादिमीर ने अपने नाइट को E4 स्क्वायर पर, और E4 स्क्वायर पर अपने नाइट को लेने का भी ठीक है कि ठीक है, अगर यहाँ अगले मूव में ये F3 पॉन डिफ्लेक्ट होगा और उसके बाद एटलीस्ट कोइन से चेकमेट नहीं दीजिए पाए नहीं दी जाएगी। लेकिन मिखाइल टाल का फाइनल मूव था, और अगर आप यहाँ ढूंढ सके इस मूव को तो वो भी कमाल का ही होगा, लेकिन मिखाइल टाल ने यहाँ किया था नाइट E4, और यहाँ इस मूव के बाद व्लादिमीर ने रिजाइन कर दिया। और रेजिग्नेशन का रीजन फ्रेंड्स अगर आप यहाँ देखें, शायद मुझे ओवर एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगले मूव में क्वीन की थ्रेट है इस F3 स्क्वायर पर ले जाकर सीधा चेकमेट करने की, और विद द हेल्प ऑफ दिस अनोइंग बिशप ये चेकमेट होगी। तो अब व्हाइट के लिए अगर यहां से ही गेम आगे बढ़ती है, तो व्हाइट के लिए बेस्ट मूव ऑब्वियस है, बिशप को ही लाना पड़ेगा बीच में, बिशप अगर E2 स्क्वायर पर जाएगा। लेकिन ब्लैक अब यहाँ गेम को और प्रेशराइज कर सकता है, कैसे, अगर आप यहाँ ये मूव ढूंढ पाए तो बहुत अच्छा है, नहीं ढूंढ पाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि थोड़े मूव ट्रिकी हैं। यहाँ बिशप B5 पहले यहाँ इस मतलब रिमूविंग द डिफेंडर ऑफ दिस F3 पॉन, बिशप को ब्लैक यहाँ ऐसे स्क्वायर पर लगा सकता है कि लाइट स्क्वायर बिशप एक्सचेंज हो जाए। लेकिन चलिए बिशप H6 जैसा कोई मूव अगर अब यहाँ ब्लैक भी कर ले, कोई भी वेटिंग मूव करे, तो उसके बाद होगा बिशप D3, यहाँ इस रुख पर अटैक होगा, और सीधा सा एक ही मतलब है ब्लैक के गेम प्लान्स क्या है, इस एफ पॉन को डिफ्लेक्ट करवाने के, रुख पर अटैक बनाने के। ऑब्वियस है यहाँ इस पॉइंट पर बिशप टेक D3 हो ही नहीं सकता, अदरवाइज क्वीन टेक F3 चेक, और यहाँ मेट होगी जैसा भी मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा था। लेकिन अगर यहाँ व्हाइट मान लेते हैं कि अपने रुक को बचाए D1 जैसे किसी स्क्वायर पर, तो यहाँ ब्लैक पहले करेगा बिशप टेक C, और अब ये नाइट ऑलमोस्ट फ्री है। क्यों फ्री है, कि एफ टेक C4 होने के बाद क्वीन F2 चेक होगा, किंग H1 स्क्वायर पर ही जाएगा, देन एंड नाइट F3, और यहाँ अगले मूव में आप देख सकते हैं चेकमेट की थ्रेट है, और
चूंकि यहाँ ये लाइट स्क्वायर्ड बिशप पिन है तो नाइट को इस बिशप से एलिमिनेट नहीं किया जा सकता, अदरवाइज क्वीन गंवानी होगी यहाँ पर व्हाइट को। तो बिशप F4 ही मुझे बेस्ट मूव यहाँ पर लगता है, लेकिन ऐसा चलने के बाद यहाँ नाइट टेक्स ही दोनों रुक्स व्हाइट के हाथों से जाएंगे। रुक टेक्स E1 होगा, क्वीन टेक्स E1 विद चेक होगा, किंग G2 स्क्वायर पर ही जाएगा, देन 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 एंड देन। ख्याल से मुझे ज्यादा क्या बताने की जरूरत नहीं कि कितनी भयानक चेकमेट यहाँ होने वाली। तो फ्रेंड्स इस मूव के बाद मैंने काफी वेरिएशन समझने की कोशिश की, मुझे भी कोई ज्यादा खास मिला नहीं, जितने भी थे सब सब एक सोल्यूशन निकल के आ रहा था जो मिखाइल टाल के फेवर में था। तो फ्रेंड्स श्वेता रंजन जी ने वाकई में बहुत कमाल की गया हमसे व्यूअर को बताया। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये वीडियो और मेरी प्रेजेंटेशन जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर।